हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका प्यारा अशफाक सर, और ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं जो आपका जो 18 तारीख को मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो कुछ मेरे पास गेस आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा आपको करना क्या होगा, थोड़ा ये इसका जो बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा अपना जो पावर जो होता है, यानी कि जो आप चैनल देख रहे हैं, यहाँ पर आपका एक तीन पॉइंट बना रहता है, उससे आप थोड़ा सा ये पावर बढ़ा लीजिए अपना। ओके, यानी कि रेजुलेशन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, अच्छा क्लियर कर लीजिए, यानी कि कहने का मतलब 360 या तो 480 पे कर लीजिए, तो आपको बेटर से बेटर देखेगा। आइए बिना स्टार्ट के, बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते जाते हैं। मैं सिर्फ आपको हिंट करूंगा, और आपको तो पता ही होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको हिंट करूंगा, बस आपको करते जाना है। पहले देखिए सवाल क्या बोलता है, बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में आता है। तो आपको पता है -3 इस तरह से फिगर बनता है, प्लस प्लस, ओके, माइनस प्लस, माइनस माइनस, और यहाँ बनेगा प्लस माइनस। तो देखिए माइनस माइनस अब प्लस दे रहा, तो माइनस प्लस यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। ओके, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। फिर देखें साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यानी कि 1 होगा। नेक्स्ट देखिए प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, प्रायिकता का सबसे अधिकतम मान बोलेगा तो हो जाएगा 1। ओके, सब अधिकतम मान अगर बोला जाए तो 1 होता है। ओके, 1 से ज़्यादा नहीं होता प्रायिकता का मान। नेक्स्ट देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1 का एक शून्यक कौन है, इसका शून्यक निकालना, यानी कि आपको गुणनखंड करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर एक्स, इसको तोड़ेंगे तो एक से एक्स प्लस एक्स में तोड़ लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 कॉमन होगा तो एक्स प्लस 1 बचेगा, यानी कि ये एक्स प्लस 1 हुआ, ये एक्स प्लस 1, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -1। ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा एक्स बराबर -1। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। मैं इसमें लगभग ऑब्जेक्टिव 40 से 50 के आसपास ऑब्जेक्टिव है, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 2 नंबर वाला है। ओके, तो मैं आपको सबको सॉल्व करवाता जाता हूँ, बहुत लोग को इसका आंसर भी नहीं पता हो रहा होगा, तो आप इसको देखिए। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त है उस पर स्पर्श रेखा जितना मर्जी उतना खींच सकते हैं, यानी कि अनंत। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, इधर छुपा हुआ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट देखिए छठा सवाल देखें, किसी घटना ई के लिए पीई और पीई डैश बराबर क्या हो, यानी कि जो घटना घटेगा और जो घटना नहीं घटेगा इसका जो योग होता है टोटल 1 के बराबर होता है। ओके, याद रखिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, जो घटना घटेगा जो घटना नहीं घटेगा इधरों का जोड़ जो होता है 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए सवाल, कौन बहुपद नहीं आपको चुनना है, बहुपद यानी कि जो स्क्वायर में हो जाता है वो बहुपद है, जो स्क्वायर के अलावा होगा तो वो बहुपद नहीं है, यहाँ तो स्क्वायर है तो बहुपद हो जाएगा, और यहाँ देखिए बहुपद नहीं बोल रहा है, फिर यहाँ देखें यहाँ तो स्क्वायर है तो यहाँ भी बहुपद है, तो और यहाँ पे भी आपका पावर है, तो यहाँ पे देखें जिसमें एक पद से ज़्यादा हो, 2 पद 3 पद, वो बहुपद कहलाएगा। तो देखिए 2 पद यहाँ पे, यहाँ पे देखिए 2 पद है, यहाँ पे 3 पद यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ 1 पद है, यानी कि ये बहुपद नहीं है। ओके, आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट देखिए साइन 35 डिग्री बटा कॉस 55 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है साइन 90 - θ, जब इसको बनाएंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 1। ओके, पता होगा आपको, मैं आपको सिर्फ हिंट करते जा रहा हूँ। बहुपद ये दिया हुआ है, मूल्यों का गुणनफल क्या होगा, मूल्यों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा, यानी कि c/a। ओके, तो c कितना है, 1 है, और ये कितना है, 4 है, यानी कि 1/4, आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ap दिया हुआ है, ap का देखिए डायरेक्ट फार्मूला दिया, ap का प्रथम पद a है, सर्व अंतर d है, और n का योग कितना होगा, तो डायरेक्ट ये फार्मूला है, योग वाला फार्मूला होता है n/2 (2a + n-1)(d) होता है, ये फार्मूला आपको पता होगा। 11वां सवाल देखिए कि 1/√3 किसके बराबर होता है, 1/√3 होता है sin tan 30 डिग्री बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पता होगा √3 π r², तो फार्मूला आप याद कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। ये देखिए दिया हुआ है cos थीटा का मान पूछ रहा था, देखिए cos थीटा बराबर करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, तो 1/√2 कितना किसका होता है, cos 45 का होता है। ओके, cos 45 का होता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा। 14 सवाल देखिए, यदि अल्फा बीटा बहुपद के दिया हुआ 2 मूल हैं तो इसका इतना बराबर क्या होगा, देखो अल्फा 1/अल्फा लिखा हुआ, 1/बीटा लिखा हुआ ये। ओके, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो अल्फा बीटा एलसीएम ले हो जाएगा, अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, इधर बीटा, इधर एक मिनट, अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर बीटा बचेगा, जब एलसीएम जब बनाएंगे तो। ओके, इधर अल्फा बचेगा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला का -b/a, तो -b
बाई ए, और ये अल्फा बीटा का होता है सी बाई ए, तो ए खल्लास हो गया। माइनस बी कितना है, देखिए यहाँ पे 3 है तो माइनस माइनस प्लस, और सी कितना है यहाँ पे 5 है, तो यानी कि 3/5, देखिए ऑप्शन है 3/5। ओके, द्विघात समीकरण दे दिया ये, तो मूलों का योग विभवांतर विविक्तर जो यानी कि डी डी बराबर क्या होगा, यहाँ पे बोल रहा कि ये जो दिया हुआ है दोनों मूल बराबर हो, दोनों मूल बराबर का हो, तो यानी कि इतना बराबर दे दिया 0, यानी कि कहने का मतलब डी बराबर 0 दे दिया। तो जब डी बराबर, खुद बोल रहा मूल के योग बराबर कब होता है, जब डी बराबर 0 होता है। ओके, और 16वां सवाल देखिए, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का ये दिया कोटिक का हो, देखिए शुरू में जो लिखा हुआ है 3 ये है भुज, और जो बाद में लिखा हुआ वो कोटि है, तो आप इतना याद रखें एग्जाम में भुज या कोटि एक ठो तो पक्का आ सकता है। तो शुरू में जो लिखा रहेगा वो भुज भुज रहता है, और जो बाद में रहता है वो कोटि रहता है, तो कोटि पूछ रहा है यानी कि -4। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला आपको पता है LBH होता है। ओके, 18वां सवाल देखिए, ये ABC एक समरूप त्रिभुज है जिसका कोण बी दिया, देने की देखिए ABC एक समरूप त्रिभुज है ABC, तो ये जो है 90 डिग्री है। ओके, और एक तो ये है 40 डिग्री है, तो कोण बी दिया हो, ओके कोण बी दिया हो 90 डिग्री, यानी कि इस तरह से है, कोण बी 90 डिग्री है और कोण ए 40 डिग्री है, तो कोण सी पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 40 90 जोड़ देंगे, यानी कि 130 हो जाएगा, और 180 में घटा देंगे, क्योंकि तीनों का जोड़ का कोण कितना होता है 180 के बराबर होता है, तो 180 में घटा देंगे यानी कि 50 आ जाएगा आंसर, तो हमारा क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। देखिए टेन स्क्वायर टेन 45 टेन 65 इंटू टेन 20 इंटू टेन 70, तो देखिए टेन इधरों का हल करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, इधरों का हल करेंगे क्या होगा 1 होगा, तो इसका आंसर है 111 यानी कि 1। ओके, और ये 20वां सवाल देखें, कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे, इतना जान लीजिए यानी कि 11। और नेक्स्ट है ये देखिए, 1 cot² / 1 tan² ये किसके बराबर होगा, तो देखिए 1 cot² को आप क्या लिखेंगे, 1 cot² किसके बराबर होता है, cosec के बराबर होता है, और 1 tan किसके बराबर होता है, 1 tan होता है sec² के बराबर। ओके, तो cosec² बराबर क्या होता है, cosec को ऐसे रहने देते, cosec को लिख सकते हैं 1/sin². ओके, और यहाँ जो cosec है ये ऊपर चल जाएगा, इसका होता है 1/cos². ओके, 1/cos² तो cos ऊपर चल जाएगा, तो cos² हो जाएगा, तो cos² / sin² क्या होता है cot² होता है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा cot²θ हो जाएगा। ओके, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि परिधि क्या होता है 2πr, क्षेत्रफल क्या होता है πr² बराबर हो, तो r बराबर बोला, तो देखो r कट गया, पाई पाई कट गया, तो r बराबर कितना आ गया, r बराबर 2, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा r बराबर 2। कहाँ गया है, कहाँ गया मिल रहा है, r बराबर 2 मात्र, छोटा छोटा है मिल रहा। ये देखिए 2θ/60, यानी कि थीठा बराबर कितना हो जाएगा 2, उधर कट जाएगा यानी कि 30 डिग्री होगा, तो sin θ का मान होता क्या होता है, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है आप बता सकते हो, 1/2 होता है। देखिए 24वां सवाल देखें, चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण का योग होता है 180 डिग्री यानी कि ऑप्शन डी। अब 25वां सवाल देखिए, यहीं पे दिया हुआ, हम इसको बड़ा करते हैं, यदि कॉस एक्स बराबर दे दिया, कॉस थीटा बराबर एक्स है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस और सेक का उल्टा होता है 1/x कर देंगे, यानी कि आंसर हमारा बी होता है। और यहाँ देखिए 26वां सवाल देख लीजिए, यह देखिए दो गोले का आयतन का अनुपात दे दिया, और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा, तो दो गोले का आयतन का अनुपात दिया। ओके, अब पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पहले इसका भुजा निकाल लेते हैं, जब आयतन दिया जाए तो भुजा कैसे निकालेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, तो 25 का किसका क्यूब, 5 का क्यूब है, और 27 किसका किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो क्षेत्रफल जब इसके बाद फिर बोला क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो फिर अब इसका भुजा का स्क्वायर कर देंगे, तो 25 3 3 9 देख लेते, ऑप्शन है कि 25 9, यानी कि ऑप्शन हमारा है 25 9, समझ रहे आप। अगर बोलता सिर्फ भुजा निकालने तो हमारा 5 और जो 5 और 3 आ रहा था वही आंसर हो जाता। 27वां सवाल देखिए, एन पदों वाले AP का योग दे दिया यहाँ पे इतना, तो 6वां पद बोल रहा निकालने के लिए, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो n² + 2n + 1 दिया हुआ, पहले 6 का मान बैठाते हैं, तो 6 का यानी कि 6 6 36 हो जाएगा, n पे बैठाएंगे तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 13, यानी कि जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। फिर अब एक बार 5 बैठाइए, तो 5 बैठाते हैं तो 5 5 25 + 5 × 10 + 1 तो कितना हो गया 11 25 हो जाएगा कितना 35। अब दोनों का अंतर कर देते हैं तो आ जाता हमारा 14, तो यही हमारा आंसर होगा, यानी कि 14 हमारा आंसर होगा। और 28वां सवाल देखिए, दो समरूप त्रिभुज का भुजाएं दे दिया, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, देखिए
भुजा दिया रहा है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 3 3 9 और 5 5 25। ओके, 3 3 9 और 5 5 25, यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है। और यहाँ देखिए थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, हल्का सा और हम चूँकि मिलाना पड़ रहा है। मैंने 29वां सवाल देखिए, बिंदु दिया हुआ है 4 -1, अब बिंदु 2 3 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप इसको बनाइए मेरे पास कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं मिल पा रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। समीकरण दे दिया है, अब विविकता निकालने बोल रहा है। विविकता यानी कि डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अब यहाँ पर मान बैठा दीजिए, बी कितना है 5, तो 5 5 25 -4, ए कितना है 2√2, और सी कितना है √2। ओके, तो ये तो √2 को √2 गुना कर, 2 2 4 4 4 16 16 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ 9 हमारा। ओके, फिर देखिए बिंदु दे दिया, अब मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। अब इस पर आप लोग बैठाइए, ये देखिए x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। अब इसको बैठाइए और मेरे पास कमेंट कीजिए। और ये देखिए 32वां सवाल देखिए, एक मीनार के उन्नयन कोण दे दिया गया जी। ओके, 5 से 21 मीटर दूर है और दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि इस तरह से 21 मीटर दूर है और यहाँ पर 30 डिग्री कोण बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई निकाल, आप निकालेंगे टेन थीटा बराबर का होता है 10 30 डिग्री, यानी कि 1/√3 होता है। और ये देखिए मान लीजिए एच है, h/21। अब इसको देखिए हल करेंगे तो क्या होगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, 121/√3। जब इसको करने करेंगे तो √3 नीचे आ जाएगा, तो 3 3 3 7 21, यानी कि 7√3। देख लेते हैं आंसर है दिया, हाँ दिया हुआ तो है 7√3 भी दिया हुआ। और देखिए, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं, जो दो भिन्न त्रिज्या यानी कि एक त्रिज्या यहाँ, एक वृत्त ऐसा है, एक वृत्त त्रिज्या अलग अलग है, तो हमेशा क्या होगा, ये समरूप सर्वांगसम नहीं होगा बल्कि समरूप होगा, इसका रूप जो है सेम है। और यदि यदि ये दिया हुआ है a + b = 90 डिग्री, तो कॉस ए का मान क्या होगा। अब देखिए हमको बताइए, कॉस ए बराबर हम लिख सकते हैं इसको हम देखिए ये जो a + b दोनों जोड़ के 90 है, तो a बराबर कितना होगा, आप बताइए 90 - b होगा, जाहिर सी बात a बराबर क्या होगा, 90 - b होगा। तो हम cos a बराबर लिख सकते हैं cos a 90 - b। ओके, तो cos 90 - b लिख दिए, और cos 90 - θ बराबर क्या होता है, sin θ, तो sin b, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, sin b हो जाएगा। फिर देखिए ये वृत्त दिया हुआ, अंत भाग एक बिंदु P है, तो इसका एक निम्न से कौन सत्य है, यानी कि एक वृत्त है, यहाँ पे केंद्र है, त्रिज्या ये है R है, और यहाँ पे O है, अब कहीं पे बिंदु P है, तो जाहिर सी बात ये जो बिंदु O से P की दूरी जो है वो क्या है, त्रिज्या से छोटी हो जाएगी। ओके, त्रिज्या से छोटी, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, त्रिज्या से छोटी हो जाएगी, है ना, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा B हो जाएगा, त्रिज्या से छोटी हो जाएगी, बी होगा। थोड़ा तो टाइम लग रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए, हो सकता है ये गेस क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ये सारा सारा आ जाए, लेकिन मे भी जो गेसिंग किया गया है बहुत सोच समझ के किया गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक घन का आयतन दिया हुआ जी। ओके, उसका क्षेत्रफल निकालने बोला, तो आयतन जब दिया है तो क्षेत्र भुजा पर कितना होगा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तब क्यूब बैठाएंगे तो 5 आ जाएगा ए बराबर, और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 × भुजा² तो 5 का² 25 25 6 150, तो जाहिर सी बात यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। एक किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नया पुराना त्रिज्या परिधि का होगा, देखिए पहले परिधि तो होता 2πr, ये कर दिए, अब त्रिज्या दुगुनी कर देंगे तो 2πr के जगह पे 2r कर देंगे, तो देखिए पाई पाई कट गया, r कट गया, तो देखिए 2 2 कट गया, तो 1:2, तो 1:2 देखिए देख लेते आंसर, लेकिन 1:2 ऑप्शन मिल रहा है। ओके, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है 40 नंबर, देखिए सवाल क्या बोलता है, ये दिया हुआ जी आपको, अब बोलते हैं इसके माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिका हम क्या देखना है, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले एक होगा, 1 2 क्या क्या है, 3 4 5 6 5 6 7, तो जो अगर देखिए 1 2 3 4 5 6 विषम है, तो जो बीच वाला होता है वही होता है माध्य, ठीक है, ऑप्शन हमारा 4। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, अब देखिए द्विघात समीकरण बोलते हैं जिसपे 2 घात हो, उसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण, तो देख लीजिए यहाँ पे ए, इसको अगर हल करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, जाहिर सी बात x² तो ये तो है, इसको अभी तो दिख रहा है ऐसे स्क्वायर है, इसको हल करेंगे तो पता ये तो है द्विघात समीकरण, तो जाहिर 3 है, हो गया तो सी नहीं होगा, इसको अगर हल करना चाहेंगे तो x² + 3 और ये जो नीचे x³ हो जाएगा, देखो सर, इसलिए ये हमारा नहीं द्विघात समीकरण, ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा।
यदि रेखा एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है इस तरह से, तो कितना हल होगा? जाहिर सी बात हमें बताया था प्रतिच्छेद करें तो एक हल, केवल एक हल। अगर समांतर हो तो कोई हल नहीं होगा, अगर एक ही रेखा पे दूसरा यानी कि संगामी हो तो अनेक हल होगा। यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे देखिए दिया हुआ केवल एक हल, यानी कि अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है? जिसका कोई हल, जिसका दूसरा कोई हल ना होता, यानी कि एक हल हो, अद्वितीय हल भी उसी को बोलते हैं। यहाँ देखिए ए बी और पी क्यू आर जो दे दिया गया है, तो देखिए ए बी सी पी क्यू आर इस तरह, ए बी सी पी क्यू आर ये दे दिया, ये ए दे दिया 47 डिग्री और आर दे दिया 73 डिग्री या 75 डिग्री जो भी है, तो सी निकालने बोल रहा है। तो जितना जब सर्वांगसम वही त्रिभुज जब समरूप होता है तो जो भुजा इसका वही भुजा इसका होता है, जो कोण इसका वही कोण इसका होता है, 75। तो ये भी सी भी क्या हो जाएगा 75 है। ये देख लेते हैं ऑप्शन है, ऑप्शन 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 नहीं है, तो यानी कि नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन में दिया नन ऑफ दीज। कभी कभी ऐसे भी होता है। अच्छा ये आप क्वेश्चन संजय संचय बारंबारता वक्र कहलाती है, ये थोड़ा मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ, आपको अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए ताकि और लोग को हेल्प हो जाएगा। ओके, और मैं भी आपसे थोड़ा सा नॉलेज ले लूँगा। अगर आपका इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए 44 का आंसर। ओके, और ये देखिए 40 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या का होगा, तो ये तो इजी से 2πr बराबर क्या हो जाएगा 44, काट दो, 2 से कट गया 22। अच्छा 22/7 भी तो लिखना है, तो 22 कट जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा 7 हो जाएगा। ओके, एक लॉटरी में 10 पुस्तक है, 18 पुस्तक है, इसमें 16 खाली हैं, तो जो पानी और पुस्तक पानी की प्रायिकता क्या होता है? कितना, 18 पुस्तक है लेकिन 16 खाली है, तो 2 पुस्तक पा सकते हैं, 2/18, 2 × 9 = 18, यानी कि 1/9, यहाँ पे दिया हुआ 1/9, समझ गए होंगे। तो ये था आपका 46 क्वेश्चन था जो ऑब्जेक्टिव था। अब जो आपका सवाल है वो आपका 2 नंबर वाला सवाल है, 2 नंबर यानी कि आपको खुद से बनाने की कोशिश करना है जी। यहाँ देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे इतना जगह नहीं है, इतना इतना वक्त भी नहीं है जो मैं इसको सोल्व करूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं सोल्व कर दूँ तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं जो है सोल्व करके आपको सुबह प्रोवाइड कर दूँ। ओके, सुबह सुबह पहले सुबह मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेटिंग या सेकेंड सेटिंग के लिए है, किसी में भी क्वेश्चन टैली कर सकता है। अगर फर्स्ट टाइम टैली किया तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन सेकेंड में भी टैली कर सकता है। आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, आप चाहे तो इसको स्क्रीन शॉट वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ तक कर देता हूँ, यहाँ तक आप कर लीजिए, एक मिनट है ना, आप थोड़ा अपना रिजोल्यूशन बढ़ा लेंगे। ओके, अपना वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भारी सवाल नहीं। देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और यहाँ पर जो ये भी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो सवाल दिया हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप हल करने की कोशिश कीजिए, इसको भी हल करने की कोशिश कीजिए। और ये जो देख रहे हैं ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये सब को सब जरूर आप हल कीजिए। ओके, तो अगर आपको इसका अगर चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा आपको बना देने के लिए, चूंकि वक्त नहीं है, और आप इसको ऑब्जेक्टिव पे प्रैक्टिस कीजिए और इसको भी कोशिश कीजिए। मेरे ख्याल से लगभग 70 से 80% 90% आपका ये सवाल सारा बन जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो के यहीं पर लास्ट करता हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो मेरे पास कमेंट कीजिए, अपना आपका डिमांड क्या है मेरे पास कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करने का। तो चलिए इसी तरह बने रहिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको हर आने वाला इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता रहूँ। तो चलिए मिलता हूँ आपको नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक।